सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को, और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के लिए भारतीय जनता पार्टी को एक और स्टार कैंपेनर मिल गया है। जहां बुधवार को बीजेपी ज्वाइन करने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल दिल्ली चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगी। बता दें कि दिल्ली में स्थित बीजेपी कार्यालय में बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल और उनकी बहन चंद्रांशु पार्टी ज्वाइन कर चुकी हैं। इस मौके पर साइना ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम और उनकी नीतियों से प्रभावित होकर वो बीजेपी में शामिल हो रही हैं। इसी के साथ ये भी जोड़ा कि वो दिल्ली में बीजेपी उम्मीदवार के लिए प्रचार भी करेंगी। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बीजेपी नेता और प्रदेश कश्यप समाज के अध्यक्ष अरविंद सिंह कश्यप ने समस्त कार्यकारिणी के साथ मंगलवार को कांग्रेस की सदस्यता ले ली। बड़ी बात यह है कि साइना के आने से अब बीजेपी को एक और बड़ा स्टार कैंपेनर मिल गया है। कहा यह भी जा रहा था कि साइना भी चुनाव लड़ सकती हैं और मुख्यमंत्री पद का चेहरा हो सकती हैं केजरीवाल के खिलाफ, क्योंकि मनोज तिवारी के सामने अब बहुत सारी मुसीबतें हैं। ऐसे में केजरीवाल जहां अपने कामों को गिनवा रहे हैं, वहीं साइना के आने से अब पूरे तरीके से आम आदमी पार्टी भी सख्ते में आ गई है। खबरी चौखट से मनोज की रिपोर्ट।